सो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया द्वान जब जैसे लूसी को दूर से किस करता है तो तब द्वान के ऐसा करने से लूसी बहुत बुरी तरह शॉक हो गई। द्वान ऐसे रिएक्ट करने लगा कि जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं कि तभी लूसी द्वान से क्लोज होने को बोलती है और फिर तभी उसने भी द्वान को किस कर दी। तो तब इस बारी द्वान काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज लूसी उसे किस कर देगी। लूसी कहने लगी कि मैंने सिर्फ अपना बदला लिया है इसलिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। द्वान कहता है पर यह तो नाइंसाफ़ी है, यानी इसका मतलब तुम फ़ायदा उठा रही हो मेरा। इसका मतलब अगर मैं हर बारी तुम्हें ऐसी किस करूंगा तो क्या बदले में तुम भी मुझे हमेशा ऐसी किस दोगी। लूसी कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं अपने भाई से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। तो तब द्वान कहता है हाँ जाओ बता दो उसे, वैसे भी किसी ना किसी दिन सबको सच पता चलना ही है। तो तब लूसी चुप हो गई। द्वान नॉनस्टॉप लूसी को घूर रहा था इसलिए वो उससे ऐसा करने से मना करती है, मगर जब वो मानता नहीं तो तब लूसी मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होने लगी। दूसरी तरफ शिन के फोटो सेंड करने पर लिंग और रोज़ को भी इस बारे में पता चल गया कि लूसी का क्रश उनकी यूनिवर्सिटी आया हुआ है, इसलिए वो दोनों लूसी के लिए खुश होने लगी। द्वान एंड लूसी अब क्लास से बाहर आ चुके हैं जहाँ ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए चल रहे थे कि इन दोनों ने एक दूसरे को कितना मिस किया जब ये दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे। कि तभी ये दोनों मिंका बास्केटबॉल मैच देखने आए जहां लूसी की तीनों फ्रेंड्स भी थी, इसलिए वो सब द्वान को हेलो करने लगी। वैसे तो मैच अच्छा चल रहा था यानी मिंग की टीम जीत रही थी, लेकिन जब मिंग को चोट लगी यानी उससे बिल्कुल भी चला नहीं गया तो तब शिन भागती हुई मिंग के पास आई। मिंग को साइड में बिठा दिया गया एंड अब ये कंफ्यूजन थी कि मिंग की जगह किसे मैच में ऐड किया जाए, इसलिए रोज का बॉयफ्रेंड द्वान से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ खेल सकते हो। द्वान लूसी से पूछने लगा कि क्या मैं जाऊं, तो तब लूसी पूछती है कि क्या तुम्हें खेलना आता भी है। तो तब द्वान ने एटीट्यूड स्माइल दी क्योंकि वो बास्केटबॉल चैंपियन है, इसलिए जब जैसी मैच स्टार्ट हुआ तो तब द्वान ने इतने अच्छे से मैच खेला कि सभी लोग उसे देखते ही रह गए एंड लूसी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये बास्केटबॉल चैंपियन भी है, इसलिए फिर वो भी खुश होने लगी एंड जोर जोर से द्वान को चेयर अप करती है। मिंग जो कि वो भी गेम देख रहा था कहता है कि ये तो लूसी का भाई है ना, काफ़ी अच्छा खेलता है। तो तफशिन बताती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी ये लूसी का सगा भाई नहीं है बल्कि अब लूसी का बॉयफ्रेंड बनने वाला है। तो तब ये बात सुन मिंग शॉक रह गया, यानी अब उसे समझ आया कि द्वान क्यों बार बार लूसी से मिलने आता था, इसलिए यहाँ वो काफ़ी उदास हो जाता है। द्वान जो कि बहुत अच्छा खेल रहा था कि तभी लास्ट शॉट मारते ही वो मैच जीत गया। तो तब सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए एंड द्वान भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। वेल अब नेक्स्ट सीन में चारों फ्रेंड्स बात कर रही होती हैं कि इस समर ब्रेक उन्हें घर जाना चाहिए या यहीं रुककर और दूसरे कोर्स भी करने चाहिए। तो तब शिन मिंग और रोज़ ये तीनों डिसाइड करती हैं कि वो यहीं रुकेंगी, लेकिन जब लूसी ने इस बात की परमिशन अपने भाई से ली कि क्या मैं भी यहीं रुक सकती हूँ, लेकिन वो साफ मना कर देता है क्योंकि सांगयान को लगता है कि लूसी अपने उस बॉयफ्रेंड की वजह से हॉस्टल में रुकना चाह रही है। लूसी काफ़ी मना करती है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी मुझे इंटर्नशिप करनी है इसलिए मैं रुकना चाहती हूँ, मगर जब वो मानता नहीं तो कहती है कि क्या तुम मुझसे जेलस हो क्योंकि तुम्हें तो कॉलेज लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड मिली नहीं थी, इसलिए अब तुम जल रहे हो क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है बॉयफ्रेंड बनाने का। तो तब सांगयान चिढ़ गया क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं सच थी, इसलिए कहने लगा कि लेकिन अब मेरी भी गर्लफ्रेंड बन चुकी है समझी, तुम हमेशा मेरे पुराने जख्म क्यों ताज़ा करती हो। मेरा डिसीजन बस यही है कि तुम वहाँ नहीं रुकोगी बल्कि समर ब्रेक में वापस घर आओगी, वरना मैं तुम्हें वहीं लेने आ जाऊंगा। और बस फिर इतना बोल सांगयान ने कॉल कट कर दी। तो तब लूसी ने वॉइस मैसेज सेंड किया कि मुझे भी नहीं पता, यानी मैं भी यही रुकने वाली हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। वेल अब नेक्स्ट डे हमें शिन को दिखाया गया जो कि भागती हुई मिंग के पास आई एंड उसे पेन रिमूवल स्प्रे देती है। तो तब शिन को ऐसा करता देख लिंग और रोज को समझ आ जाता है कि शिन मिंग को लाइक करती है। मिंग ने शिन को थैंक्स कहा तो तब शिन मिंग से पूछने लगी कि क्या तुम कल की बात जानकर उदास हो लूसी के बॉयफ्रेंड वाली। तो तब मिंग बताता है कि हाँ मैं थोड़ा शॉक तो हुआ था लेकिन अब खुश हूँ कि लूसी को अपना लव मिल गया जिसके साथ वो खुश है। शिन मिंग को बाय कर वहाँ से चली जाती है और जब अपनी फ्रेंड्स के पास आई तो तब वो दोनों उसे टीज करने लगी कि तुमने आखिर कब से ये बात छुपा रखी थी कि तुम मिंग को पसंद करती हो। तो तब शिन शर्माने लगी और बताती है कि मैं जो वीडियो एडिटिंग कोर्स कर रही हूँ उसमें मुझे कुछ लोगों का इंटरव्यू लेना है, इसलिए सोच रही हूँ कि मिंग से इस बारे में पूछूँ कि क्या वो मुझे अपना इंटरव्यू देगा। तो तब रोज़ कहती है कि हाँ तुम्हें पूछना चाहिए एंड देख लेना मिंग तुम्हें मना नहीं कर पाएगा।
वेल अब नेक्स्ट सीन में दुआन अपने वर्क प्लेस है, मगर जब जैसी आफ्टर वर्क वो बाहर आया तो तब लूसी ने उसको सरप्राइज दिया क्योंकि आज दुआन का बर्थडे है। दुआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि क्या तुम्हें मेरा बर्थडे याद था, तो वो बोलती है कि हाँ, और फिर बातों बातों में दुआन को ओल्ड कहकर टीज करने लगी। दुआन बोलने लगा कि हाँ तुमने सही कहा, मैं ओल्ड हो चुका हूँ, इसका मतलब फिर तो मुझे जल्द से जल्द शादी भी कर लेनी चाहिए। लेकिन लूसी मना कर देती है क्योंकि अभी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये सुन दुआन हंसकर पूछने लगा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा, जबकि तुमने तो अभी तक मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट भी नहीं किया है। तो तब लूसी शर्माकर आगे चली गई, जिसके बाद अब ये दोनों कार में हैं। लूसी ने पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे दोस्तों ने बर्थडे विश किया, तो इस पर दुआन बताता है कि वो लोग अपना बर्थडे तो याद रख नहीं पाते, मेरा क्या रखेंगे। तो तब लूसी छुपके से अपने भाई यानी सांगयान को मैसेज कर दुआन के बर्थडे के बारे में बता देती है, इसलिए सांगयान ने तभी दुआन को कॉल की एंड उसे बर्थडे विश करने लगा। किदा भी पूछता है कि क्या मेरी बहन ने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दिया। दुआन बताता है कि हाँ दिया तो है। तो तब सांगयान कहता है कि हाँ, वो उससे मैंने ही तुम्हें देने को बोला था, वरना उसे तो खुद तुम्हारा बर्थडे याद नहीं था। तो तब ये बात सुन लूसी शॉक रह गई कि उसका भाई कितना ज़्यादा तेज़ है जो सारा क्रेडिट खुद पर ले रहा है। सांगयान को पता नहीं था कि लूसी इस टाइम दुआन के साथ ही है, इसलिए सांगयान दुआन को बताने लगा कि लूसी फिर से लड़केबाजी में पड़ गई है, यानी उसने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है जो कि एज में बड़ा है, इसलिए तुम पता करो कि वो लड़का कौन है, और फिर जब हमें उसका एड्रेस पता चल जाएगा तो तब हम दोनों मिलकर उस लड़के को मार के आएंगे। लूसी जो कि ये बात सुन शॉक हो रही थी, इसलिए गलती से उसकी आवाज़ निकल गई। तो तब सांगयान पहचान जाता है कि क्या लूसी भी वही है। तो तब लूसी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मैं भी इस टाइम दुआन के साथ ही हूँ एंड हम दोनों रेस्टोरेंट जा रहे हैं दुआन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सांगयान ये बात जानकर हैरान हुआ, इसलिए पूछने लगा कि कहीं तुम दोनों के बीच कुछ, मगर तभी लूसी बात काट कर बताने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, यानी मैं सिर्फ दुआन को पार्टी दे रही हूँ, वो भी आपकी साइड से। तो तब सांगयान चुप हो गया एंड लूसी ने जल्दी से कॉल कट कर दी। दुआन लूसी को टीस करते हुए बोलने लग जाता है कि तुमने तो कहा था कि अभी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन अपने भाई से ये बोल रही हो कि तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो तब लूसी एम्बेरेसिंग फील करने लगी कि सांगयान को क्या ज़रूरत थी दुआन को उसकी वाली बात बताने की, और फिर पूछती है कि क्या हो अगर मैं तुम्हारे लव को रिजेक्ट कर दूँ तो, और कभी तुम्हें हाँ नहीं बोलूँ तो। तो इस पर दुआन ने जवाब दिया कि फिर मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊँगा एंड परेशान करता जाऊँगा जब तक कि तुम मुझे हाँ नहीं कर दोगी, जिसकी ये बात सुन लूसी हंसने लगी। दोनों फाइनली रेस्टोरेंट पहुँचे, जहाँ लूसी ज़ोर ज़ोर से दुआन को बड़े विश करते हुए ले जाने लग जाती है, इसलिए दुआन शर्माकर अंदर नहीं जा रहा था, मगर जब जैसे ही वो अंदर आया तो काफ़ी बुरी तरह सरप्राइज रह गया क्योंकि लूसी ने दुआन के बर्थडे की काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट करा रखी थी जो कि दुआन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसलिए वो उसे दिल से थैंक्स करने लगा। लूसी कहती है कि तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे लिए अपने हाथों से नूडल्स बनाकर, और फिर किचन में आकर कुकिंग करने की कोशिश करने लगी, जहाँ पहले तो उसे बहुत प्रॉब्लम हुई नूडल्स बनाने में, जिसकी दूर से दुआन हंसते हुए फोटोज भी क्लिक कर रहा था, लेकिन लास्ट में वो नूडल्स बना लाई जिन्हें दुआन ने टेस्ट किया जो कि उसे काफ़ी अजीब लगे क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ी ना कोई परफेक्ट कुकिंग कर सकता है, लेकिन वो झूठ कह देता है कि ये बहुत अच्छे हैं और फिर उन्हें खाने लगा। लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और फिर दुआन से कैंडल ब्लो करने को कहती है। तो तब दुआन ने कैंडल ब्लो की एंड विश मांगने लगा, और फिर जब विश मांगने के बाद अपनी आईज़ ओपन करता है तो तब लूसी पूछती है कि तुमने क्या मांगा। तो इस पर वो बताता है कि तुम्हें, जिसकी ये बात सुन लूसी चुप हो गई एंड सोचने लगी कि दुआन उसे कितना ज़्यादा पसंद करता है कि अपनी विश में भी सिर्फ उसी को मांग रहा है, इसलिए यहाँ वो फाइनली दुआन को यस कह देती है। तो तब ये बात सुन दुआन काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि क्या तुम सच में रेडी हो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तो तब वो बोलती है कि हाँ। लूसी नॉर्मल बिहेव करने लगी, यानी शर्माकर चुप हो जाती है, लेकिन अब दुआन चाहकर भी लूसी पर से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था, इसलिए जब वो उसे केक देने लगी तो तब वो लूसी का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है, और फिर यहाँ उसने फाइनली लूसी को किस की, यानी अब ये दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं एंड साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। दुआन बताता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, यानी तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी गर्लफ्रेंड बनी हो एंड जिससे मैंने सच्चे दिल से प्यार किया है। तो तब लूसी खुश हो गई। सीन कट होकर बीच पर आया जहाँ ये दोनों बैठे हुए हैं एंड यहाँ भी दुआन लूसी को घूरना बंद नहीं कर रहा था, ये बोलते हुए कि
मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और फिर तभी लूसी को अपनी फैमिली सिचुएशन बताने लगा ताकि लूसी से कुछ भी हाइड नहीं रह सके। इसलिए बताता है कि मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है और डैड कोमा में हैं, क्योंकि उनके साथ काफ़ी साल पहले ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर जियांग के फादर की डेथ हुई थी। साथ ही मेरे पास मेरा खुद का घर नहीं है, सिर्फ एक कार है और कुछ सेविंग्स हैं। क्या तुम ओके हो ये सब चीज़ें जानने के बाद? तो तब लूसी कहती है कि हाँ, और विश्वास दिलाने लगी कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो तब दुआन खुश हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों और भी कई सारी बातें करने लगे। नेक्स्ट डे दिखाया गया दुआन लूसी के कॉलेज के बाहर खड़ा है, जिससे लूसी मिलने आई और बताती है कि मुझे लाइब्रेरी जाना है। तो तब वो कहता है कि वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, इसलिए चलो मेरे घर चलते हैं जहाँ मैं तुम्हें कुकिंग भी करके दूंगा। तो तब लूसी खुशी खुशी दुआन के साथ चली गई। घर के अंदर आने के बाद दुआन लूसी को अपना स्टडी टेबल दिखाता है ताकि लूसी अपना आराम से पढ़ सके, मगर फिर खुद किचन में जाने की बजाय वहीं बैठ गया ये बोलकर कि अभी मुझे तुम्हें थोड़ा और देखना है क्योंकि मेरा मन भरा नहीं। तो ये सुन लूसी डायरेक्ट दुआन के क्लोज हो गई। और बस फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।